नमस्कार, मैं संदीप कसालकर, क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। लिक्विडिटी की कमी को दूर करते हुए क्रिप्टो करेंसी में दिखी बढ़त, बिटकॉइन रहा $20,500 से ऊपर। सेल्सियस ने चुकाया पूरा लोन, $440 मिलियन के कोलैटरल को किया मुक्त। यूके की राजनीतिक उथल पुथल के बीच क्रिप्टो रेगुलेशंस में देरी की संभावना। सोलाना लैब्स को करना पड़ रहा है क्लास एक्शन सूट का सामना, सिक्योरिटीज लॉ के उल्लंघन का है आरोप। क्रेमा हैकर ने लौटाए $8 मिलियन, प्रोटोकॉल के साथ की $1.6 मिलियन रखने की डील। एलोन मस्क की बोरिंग कंपनी अपने लूप राइट्स के लिए एक्सेप्ट करेगी डोज कॉइन। आर्गो ब्लॉकचेन ने मार्केट नेविगेट करने के लिए ट्रेडर को किया हायर, लोन चुकाने के लिए बेची बीटीसी। बिटस्टैम ने ग्राहकों की प्रतिक्रिया के बाद इनएक्टिविटी फीस को किया रद्द। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। इकोनॉमी के कमजोर होने के संकेतों के बीच रोजगारी के दावों में बढ़त के रूप में क्रिप्टोकरेंसी ने गुरुवार को हायर यूएस स्टॉक्स पर नजर रखना जारी रखा। वही बिटकॉइन को $20,500 के इर्द गिर्द देखा गया। लार्जेस्ट क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस में एक FTX के हेड सैम बैंकमैन फ्राइड का मानना है कि सबसे वर्स्ट लिक्विडिटी क्रंच बीत चुका है। ट्रबल क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस, जिसने पिछले महीने यूजर विड्रॉल्स को रोक दिया था, उसने गुरुवार को मेकर के लोन को पूरी तरह पे करने के बाद $440 मिलियन कोलैटरल को रिक्लेम किया। S&P 500 ने 1% की बढ़त देखी, जबकि डो जॉन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने अर्ली मॉर्निंग US ट्रेड्स में 0.8% से बढ़त दर्ज की है। टेक हेवी नैस्डैक इंडेक्स 1.3% की उछाल देखी। इन सब के बीच पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो करेंसी में बढ़त देखने मिली, जो इन्वेस्टर्स के बीच फैटिक और कॉन्विक्शन की कमी को दर्शाता है। इथेरियम डेवलपर्स द्वारा सेपोलिया टेस्टनेट पर मर्ज का सफलतापूर्वक संचालन करने के बाद ETH ने 5% से ज्यादा की बढ़त के साथ अराउंड $1,190 पर ट्रेड किया, जिससे नेटवर्क को प्रूफ ऑफ स्टेक में ट्रांजिशन के लिए एक कदम आगे ले जाया गया। इन सबके बीच बिटकॉइन ने हाल ही में पिछले 24 घंटों में 1.5% की बढ़त के साथ अराउंड $20,500 पर ट्रेड किया, जबकि सभी मेजर ऑल्टकॉइंस में भी बढ़त देखने मिली। सेल्सियस क्रिप्टो लेंडर, जिसने पिछले महीने लिक्विडिटी प्रेशर के कारण यूजर विड्रॉल्स को रोक दिया था, उसने गुरुवार को लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी DeFi प्रोटोकॉल्स में से एक मेकर के लोन का पूरी तरह से भुगतान करने के बाद $440 मिलियन के कोलैटरल को रिक्लेम किया था। डेटा से पता चलता है कि सेल्सियस से जुड़े एक वॉलेट ने मेकर प्रोटोकॉल के स्टेबल कॉइन DAI में बाकी $41.2 मिलियन लोन चुकाया है। इसने मेकर प्रोटोकॉल को 21,962 रैप बिटकॉइन यानी WBTC इथेरियम ब्लॉकचेन के बिटकॉइन इक्विवेलेंट टोकन को जारी करने के लिए इंस्पायर किया, जिसे लोन के कोलैटरल के रूप में प्लेज रखा गया था। ये लगभग $448 मिलियन है, क्योंकि WBTC हाल ही में $20,400 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इस कदम के बेलियरगार्ड क्रिप्टो लेंडर के फाइनेंस के लिए एक बड़ी लिक्विडिटी को बढ़ावा देना है। सेल्सियस ने डिपॉजिट्स पर एक रन को अवॉर्ड करने के लिए 12 जून को सभी कस्टमर विड्रॉल्स और ट्रांजैक्शंस को हॉल्ट कर दिया गया था। UK प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा कि डिप्यूटी चीफ व्हिप क्रिस पिंचर की नियुक्ति पर एक स्कैंडल के बीच कई मिनिस्टर्स द्वारा उनकी सरकार को छोड़ने के बाद वो गुरुवार को रिजाइन दे देंगे। ट्रेजरी के फॉर्मर चांसलर ऋषि सुनाक और हेल्थ मिनिस्टर साजिद जावेद मंगलवार को इस्तीफा देने वाले पहले और सबसे सीनियर ऑफिशियल्स थे। ये कहते हुए कि जनता सही से संचालित होने वाली सरकार और ईमानदारी को डिजर्व करती है। इस तरह से सरकार के करीब 60 सदस्यों ने गुरुवार सुबह तक इस्तीफा दे दिया था। जॉनसन ने कहा कि वो तब तक प्राइम मिनिस्टर बने रहने का इरादा रखते हैं जब तक कि एक रिप्लेसमेंट नहीं चुना जाता। उन्होंने कहा कि टाइम टेबल की घोषणा अगले हफ्ते की जाएगी। इस तरह से इस्तीफे से क्रिप्टो कानून में देरी होने की संभावना है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के डिप्टी गवर्नर जॉन कनलिफ्ट ने बुधवार को कहा कि स्टेबल कॉइन कानून के लिए रेगुलेटर्स की योजना पहले ही गवर्नमेंट डिसएरे से डिले हो गई थी। सोलाना इकोसिस्टम के की प्लेयर्स पर सोलाना ब्लॉकचेन के नेटिव टोकन SOL से अवैध तरीके से मुनाफा कमाने का आरोप लगाया गया है। आरोप कैलिफोर्निया के रेसिडेंट मार्क यंग द्वारा पिछले हफ्ते कैलिफोर्निया फेडरल कोर्ट में दायर एक
क्लास एक्शन सूट का हिस्सा है। सूट ने SOL को एक अनरजिस्टर सिक्योरिटी करार दिया है। सूट में आरोप लगाया गया है कि SOL सिक्योरिटीज के वैल्यू की कॉर्नरस्टोन सोलाना लैब्स, सोलाना फाउंडेशन और एनाटोली योकोवेंको के सोलाना ब्लॉकचेन के मैनेजमेंट और इम्प्लीमेंटेशन का योग है। इसने SOL को एक हाईली सेंट्रलाइज क्रिप्टोकरेंसी के रूप में डिस्क्राइब किया है, जिसने इसके अंदरूनी सूत्रों को रिटेल ट्रेडर्स की डेट्रीमेंट के लिए बेनिफिट किया है। ऐसे में यंग ने कहा कि उसने 2021 की गर्मियों के अंत में SOL खरीदा था और जिस तरह से SOL बनाया और बेचा गया था वो हॉई टेस्ट के 3 टेनेट्स को पूरा करता है। US सुप्रीम कोर्ट की मिसाल आमतौर पर बैरोमीटर के रूप में इस्तेमाल की जाती है, क्या किसी चीज की सेल एक सिक्योरिटी है या नहीं। सूट का नाम सोलाना लैब्स, सोलाना फाउंडेशन, सोलाना के एनाटोली योकोवेंको, क्रिप्टो VC जायंट मल्टीकॉइन कैपिटल, मल्टीकॉइन की काइल समानी और ट्रेडिंग डेस्क फैल्कॉनिक्स है। 2 जुलाई को सोलाना बेस्ड लिक्विडिटी प्रोटोकॉल क्रेमा फाइनेंस का फायदा उठाने वाले हैकर ने ज्यादातर फंड्स को वापस कर दिया है, लेकिन हैड बाउंटी के रूप में $1.6 मिलियन रखने की अनुमति भी हासिल की है। 45,455 सोलाना या SOL की बाउंटी जो शुरुआती $9.6 मिलियन के क्रेमा के 16.7% के बराबर था, उसने प्रोटोकॉल को सर्विस सस्पेंड करने के लिए मजबूर किया था। जैसे ही क्रेमा की टीम ने क्रिमिनल की गुप्त पहचान की जांच शुरू की, उसके द्वारा घोषणा की गई कि वे हैकर के साथ बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में 6 जुलाई को हैकर ने 6,064 ईथर यानी ETH और 23,967 SOL लौटाए, जिसकी कीमत रफली $8 मिलियन थी। क्रेमा की टीम ने सौदा होने से पहले 5 जुलाई को घोषणा की है कि उसने ऑडिटिंग के लिए नया कोड सबमिट किया है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उसी तरह का एक्सप्लॉइट फिर से न हो सके। क्रेमा प्रोटोकॉल ऑडिट पूरा होने के बाद बैकअप और शुरू हो जाएगा। टीम 8 जुलाई तक अफेक्टेड यूजर्स के लिए कॉम्पेंसेशन प्लान भी इशू करने वाली है। एलॉन मस्क की इंफ्रास्ट्रक्चर और टनल कंस्ट्रक्शन सर्विसेज कंपनी द बोरिंग कंपनी ने कहा कि कस्टमर्स डोज कॉइन से अपनी लूप राइड्स के लिए पे कर सकते हैं। कंपनी द्वारा लास वेगास कॉन्वेक्शन सेंटर के बाहर अपना पहला लूप स्टेशन खोले जाने के बाद यह अनाउंसमेंट की गई है। लूप कंपनी का लास वेगास ट्रांजिट सिस्टम एक अंडरग्राउंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। हालांकि अभी के लिए बोरिंग कंपनी लूप राइड के लिए किसी तरह की चार्ज नहीं लेती है, लेकिन कंपनी जल्द ही फ्री राइड्स रद्द करने और चार्ज करने का प्लान बना रही है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है और बिना किसी इंटरमीडिएट स्टॉप्स के पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर जाता है। बिटकॉइन माइनर आर्गो ब्लॉकचेन ने कहा कि उसने टफ मार्केट कंडीशन को नेविगेट करने के लिए एक इनहाउस डेरिवेटिव ट्रेडर को हायर किया है। कंपनी ने कहा कि उसने ऑपरेटिंग कॉस्ट और गैलेक्सी डिजिटल से लोन पे करने के लिए एवरेज $24,500 पर 637 BTC बेचे हैं। क्रिप्टो माइनर्स बिटकॉइन बेच रहे हैं क्योंकि उनके रेवेन्यूज में बियो मार्केट के साथ गिरावट आई है। फर्म ने कहा कि वो फोर्थ क्वार्टर 2021 के बाद से डाउनसाइड रिस्क को सीमित करने के लिए डेरिवेटिव का इस्तेमाल कर रहा है और एक फुल टाइम ट्रेडर को रिस्क और ट्रेजरी मैनेजमेंट के भीतर कैपेबिलिटीज में सुधार करने के लिए हायर किया गया है। स्टेटमेंट के अनुसार जून के अंत तक लंदन लिस्टेड आर्गो के पास गैलेक्सी डिजिटल के साथ $22 मिलियन बकाया था। फर्म ने दिसंबर 2021 में बिटकॉइन द्वारा गिरवी रखे $30 मिलियन के लोन पर साइन किया। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।